Did you have a magic box? Sorry, answer it here. No, I did not have a magic box. No, nahi, I didn't have a magic box. Nahi, mere paas magic box nahi tha. Okay? Did not. Did not. Did you answer it? No, I did not. Had not करके नहीं बोलना है आपको. No, I had not नहीं बोलेंगे. No, I did not. No, I did not have a magic box. But अब यहाँ देखिए, आपने negative answer दे दिया. But आपको but कहकर positive answer भी add करना है इसमें. No, I did not have a magic box. But my friend had a magic box. But my friend had a magic box. पर मेरे पास तो magic box नहीं था. लेकिन मेरी एक friend थी, उसके पास था. बात हो रही हमारी पास्ट की है, बट एक नेगेटिव आंसर है और सेकंड जो है हमारी पॉजिटिव है. इसलिए हमें जो यूज करना है नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट है और पॉजिटिव है तो हैड. पॉजिटिव सेंटेंस है तभी हम हैड का यूज करेंगे. देखिए पास्ट के टेंस को हम डिड से कंफर्म करते हैं. ओके, डिड से कंफर्म करते हैं और पॉजिटिव आंसर में हम हैड का यूज करते हैं. आंसर पॉजिटिव हो हमें उसके पर्सन से कोई लेना देना नहीं. पर्सन को भी वो फर्स्ट हो, सेकंड हो या थर्ड हो, बट पॉजिटिव आंसर होना चाहिए. पॉजिटिव आंसर है तो भाई आप वहां पर हैड का यूज कर दीजिए. पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, बस आंसर पॉजिटिव होगा वहां पर हैड का यूज करेंगे. यहाँ देखिए पर्सन तो फर्स्ट था बट पॉजिटिव ही तो हो रहा आंसर, तो हैड का यूज कर दिया. अब यहाँ फ्रेंड है तो थर्ड पर्सन, बट पॉजिटिव भी तो है ना आंसर, इसलिए हमने यहाँ हैड का यूज कर दिया. देखिए पॉजिटिव आंसर में ही हम हैड का यूज करेंगे और कहीं यूज नहीं करेंगे. पॉजिटिव में करेंगे, नेगेटिव में आना है तो डिड नॉट करके बोलेंगे. डिड नॉट हैव, क्वेश्चन करेंगे तो डिड यू हैव. ठीक, पॉजिटिव दे रहा है तभी हम हेड का यूज करेंगे. इस तरह से हमने हेड का यूज कर लिया. अब कैसे हमें अपने सब पास की चीजें बतानी और अपने फ्रेंड से क्वेश्चन करनी है. आई हैड अ टेडी बैग. डिड यू हैव अ टेडी बैग? नो, आई डिडंट हैव अ टेडी बैग, बट माय सिस्टर हैड अ टेडी बैग. जो भी आपके पास होगा वो सारी थिंग्स आप विल हैव का यूज करके बताएंगे. एग्जाम्पल, आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी. आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारा धन होगा, मेरे पास बहुत सारे रुपए होंगे. इस तरह का हमें कहना है. क्या बोलेंगे? आई विल हैव. आई इस पूरी में हम एक साथ यूज करेंगे विल हैव, एक साथ करना है. आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी. विल यू हैव अ लॉट ऑफ मनी? आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी. विल यू हैव अ लॉट ऑफ मनी? हमें क्या कहना है? मेरे पास तो धन होगा, क्या तुम्हारे पास होगा? सेकंड पर्सन से कंफर्म करना है तो हमें जो है विल बाहर ले आना है. देखिएगा, आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी. सेकंड पर्सन से हम क्वेश्चन करेंगे तो विल यू हैव अ लॉट ऑफ मनी? विल यू, इन दोनों के बीच में हम यू का यूज कर देंगे. विल यू हैव अ लॉट ऑफ मनी? ओके, आई विल हैव अ लॉट ऑफ मनी. विल यू हैव अ लॉट ऑफ मनी? हमने पॉजिटिव आंसर दिया और नेगेटिव आंसर दिया, विल यू हो गया, विल यू हैव अ लॉट ऑफ मनी. अब हमें नेगेटिव आंसर देना है, सेकंड पर्सन से नेगेटिव आंसर देना है. नो, आई विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी. नो, आई विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी. नहीं, मेरे पास धन नहीं होगा. बट माय ब्रदर विल हैव अ लॉट ऑफ मनी. यहां देखिए, नो आई विल नॉट हैव अ लॉट ऑफ मनी. नहीं, मेरे पास धन नहीं होगा. But my brother will have a lot of money. लेकिन मेरे भाई के पास धन होगा. ठीक है, तो my brother के साथ हम third person है my brother. लेकिन हम यहाँ पर will have का ही use करेंगे. But my brother will have a lot of money. यहाँ has it का use नहीं करना, तो directly बोलना है no, I will not have a lot of money. But my brother will have a lot of money. इस तरह से हम future के question और answer ये देंगे. देखिए एक बार और समझते हैं, फिर repeat करते हैं starting से. Have and will have. ओके, हैड एंड विल हैव का यूज हम कहां कहां करते हैं? हैड का यूज हमें करना है पास्ट था जाए सेंटेंस में, या रखता था, रखती थी, या रखते थे. इनमें से कुछ भी आ रहा है आपको, वहां कहां हमने अपने हैड और विल हैव का यूज कर लिया है. हैड का यूज हमने पास्ट के लिए सीख लिया और विल हैव का यूज हमने अपने फ्यूचर के लिए सीख लिया. तो यहाँ आप अपनी पास से जो भी एक्शन आपके पास जो भी था उसको आप डिड का यूज और हैड का यूज करके बोलेंगे, और जो आपके पास होगा उसका यूज आप विल हैव करके
बोलेंगे। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें।